जशपुर में भारतीय जनता पार्टी ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसमें महिलाओं पर होने वाले अपराधों को लेकर विरोध किया गया। बढ़ती हुई रेप की घटनाओं को लेकर बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने इस मंच से प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। धरने के बाद बीजेपी ने राज्यपाल के नाम 5 मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। तो वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश महामंत्री कृष्ण कुमार राय ने कहा है कि पंडरसिल्ली में पहाड़ी कोरवा युवती की मौत पर हत्या का मामला दर्ज नहीं हुआ और दुलदुला के कोरडेगा क्षेत्र में एक युवती आदिवासी युवती के साथ गैंगरेप के मामले में 307 हत्या की कोशिश का जुर्म दर्ज नहीं किया जा रहा है। जब तक दोनों मामलों में इनकी मांगे पूरी नहीं होती, इनका आंदोलन खत्म नहीं होगा। हमारे बेटियां, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आजादी से घूम फिर नहीं सकते हैं, ये बड़ा दुखद विषय है। स्वर्गीय कुमार दिलीप सिंह दुबे जी के छत्र छाया में, चाहे गणेश राम जी भगत जैसे हमारे पास विधायक हो, चाहे मंत्री के रूप में, हम लोग सुरक्षित महसूस करते थे अपने आप को। लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ है, तब से हमारे बेटी बहन सुरक्षित नहीं। पंडरसिल्ली का घटना भी शांत भी नहीं हुआ है कि दुलदुला में घटना हो गया, गैंग रेप हुआ, उसको गैंग रेप करके नदी में फेंक दिया गया। तो वहाँ पंडरसिल्ली में 302 के तहत कार्रवाई हो और यहाँ 307 भी, 376 के साथ 307 भी लगे कि मारने का प्रयास किया गया है, बलात्कार हो गया, आत्महत्या, ये हत्या कर दिया लोग, पुलिस उनको नहीं पकड़ रही है। कोंडा गाँव में घटना हो गया, बलरामपुर में हत्या हो गया है, ये जो तमाम जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा ही है महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति, और तमाम 6-7 बिंदु में जो घटित हुआ है उसको लेकर के पूरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेतागण यहाँ पर आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में बैठे हुए थे। चलिए।